तो आज जवारे लगाते हैं नवरात्रि में, गौरी पूजा में, गणगौर पूजा में, हर एक में जवारा माँ के जवारे बहुत शुभ माने जाते हैं। जवारे नवरात्रि में ज्यादातर जौ के जवारे रहते हैं, ये आज हम जौ के जवारे लगाएंगे, गेहूं के भी लगाते हैं और ये सात धान, सात अलग अलग धान है उसके भी जवारे लगाते हैं। पर जौ को सृष्टि का सबसे पहला धान माना गया है, इसीलिए हवन में भी जौ का उपयोग होता है। तो आज हम जौ के जवारे लगाएंगे। ये मैंने जौ लिया है, इसको करीब 3 से 4 घंटा मैंने भिगो के रखा है, ये भिगो के रखा था, अच्छे से हमारे जौ भीग गए हैं। अब इसको सुखा देंगे ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। पानी अगर रहता है बहुत ज्यादा तो फफूंदी लग जाती है मिट्टी के साथ, और ज्यादा पानी भी नहीं डालेंगे। जवारे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसमें शुद्धि रखे, हाथ को ठीक से धो के, जो भी आप बर्तन लेते हैं बर्तन को भी अच्छे से वॉश करके अच्छे से धो के, अब इसको हम थोड़ा 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पूरा पानी निकल जाए। ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, मिट्टी का पॉट है जिसमें हम जवारे लगाएंगे। अब माँ जगदम्बा, माँ आद्या शक्ति का जवारा माना जाता है, तो हम पहले थोड़ा सा 5 टीका, ज्यादा डेकोरेशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। 5 मैंने टीका लगाया, अब इसमें स्वस्तिक का निशान करेंगे, स्वस्तिक शुभ का प्रतीक है, शुभ का निशानी है, ये मैंने स्वस्तिक का निशानी किया। एक साइड श्री लिखेंगे, मां का नाम श्री भी है, ये मैंने श्री लिखा और ये 5 हमने शुकन का टीका लगा के शुरू करेंगे। अब इसको बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं भरेंगे और मिट्टी भी अच्छे से साफ की हुई हो लेंगे, कचरा नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ किया हुआ, ये मैंने पहले से ही मिट्टी साफ करके रखा हुआ है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, आपके वहां पर, आप जहां पर भी जो भी जगह पर है वहां जैसा मिट्टी मिलता है उसी मिट्टी में आप जवारा उगा सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से पूरा भर नहीं देना है ताकि जवारा जब उगे बड़ा होगा उसमें से जब जवारे हमारे निकलेंगे तो काफी जगह होगा। अब इसका, इसको हम जो जौ हमने भिगो के रखा था उसको पूरा इसमें डाल देंगे अच्छे से फैलाकर। अब ये पूरा अपने जौ ऊपर डाल दिया है, अब इसको मिट्टी से
ढक देंगे, बिल्कुल दबाएंगे नहीं। मिट्टी भी थोड़ी सी गीली ही है तो जौ को अच्छे से सिर्फ ढक देना है। ज्यादा भी ढकने का जरूरत नहीं है, हल्का हल्का ऊपर से मिट्टी डाल के ही इसको ढक देंगे। इसमें पानी भी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि कई बार पानी से फफूंदी लग जाती है, बहुत पानी अगर ज्यादा डाल देते हैं तो ये देखिए मैंने पूरा इसको ढक दिया है। अब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हल्का मिट्टी बैठे उतना ही पानी, ज्यादा पानी डालने का भी जरूरत नहीं है। ये एक प्लेट के नीचे रखा है, नीचे प्लेट मैंने रखा है स्वस्तिक करके, तो बस इसको थोड़ा सा धूप देंगे। ये मैंने जवारा को ऐसे एक दिन थोड़ा ढक के रखा है, रोज पानी देना जरूरी है। देखिए छोटे छोटे आप देख सकते हैं, आज तीसरा दिन है अपने जवारा को लगाया उसके बाद का, रोज थोड़ा थोड़ा पानी, एक दिन इसको थोड़ा सा ढक के रखेंगे ऐसे। तो देखिए ये आज अपना पांचवा दिन है और जवारे कितने अच्छे हो गए हैं। ये मैंने नवरात्रि के पहले जवारे उगाने रखे हैं, आप प्रतिपदा से भी जवारे डाल सकते हैं उगने के लिए, पर ये इस तरीके से आपके जवारे उग भी जाएंगे 5-6 दिन में और अच्छे से बड़े भी हो जाएंगे। तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आप जरूर घर पर जवारे उगाइए। जय माता दी।